इतनी जल्दी आ गए आप? एकदम सही वक्त पे आए हो। मैंने अभी अभी चाय रखी थी, लेके आती हूँ। हाँ ये क्या, यूनिफॉर्म चेंज नहीं की? हाथ मुंह तो धो लेते। लीजिए। अच्छा तुम्हें पता है, अपने दूध वाले भैया है ना, वो कह रहे थे कि उन्हें 3,000 रुपये एडवांस चाहिए। उनके बेटे की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि देती हूँ। लेकिन भैया 2 महीने से मैं कह रही हूँ कि जल्दी दूध लाओ, जल्दी दूध लाओ। साहब को बराबर 7 बजे की चाय चाहिए होगी। लेकिन यहाँ तो बराबर टाइम पे दूध देते हो ना। सुन रहे हो ना तुम अमित? अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, हमारे लेडीज का ग्रुप है ना व्हाट्सएप पे, वो शर्मा जी की वाइफ शीतल, उस शीतल ने उस दिन उनके नए होम थिएटर की पिक डाल दी थी। सारे उसकी एकदम तारीफ करने लग गए थे। तुम्हें ने क्या किया पता है? उस दिन तुमने वो हार दिया था ना, उसकी पिक मैंने जानबूझ के डाल दी। तो किसी ने उसके होम थिएटर के बारे में बात ही नहीं की, सारे मेरे हार की तारीफ कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। सीमा तो कह रही थी, जूही क्या लकी है तू, तुझे अमित जैसा पति मिला। तो मैंने तुरंत उसे ग्रीटिंग का भी पिक व्हाट्सएप कर दिया। अमित क्या कर रहे हो, छोड़ो ना प्लीज। क्या है इसमें? हार बहुत सुंदर है अमित। क्या किधर, कुठे लक्ष्य है तुमसे? चाय भी ठंडी हो गई है, चला पटापट आओ रहा, सब्जी लेने भी तो जाना है ना, गरम करके दूं। नीड फुक। कह रहे दारू पी के गाड़ी चलेगा क्या है? जाने दो ना सर। क्या जाने दो है? सर मेरे डैड के जो दोस्त है ना, वो पीएस में, पीएसआई में सर। पीएसआई तो मैं क्या करूं, हाँ क्या करूं? फोन का है, फोन लगाता हूँ मैं उनको। वैसे नाम क्या है आपका? ए पांडे, गाड़ी जब्त कर। मैं फोन लगाता हूँ उनको। तो यार तू चुप कर यार। सर गाड़ी में लड़की भी है और मेरे फ्रेंड का बर्थडे। गाड़ी होने पांडे। सर सर प्लीज सर जाने दीजिए ना। तू बीच में मत बोलेगा, समझा क्या? सर 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 सुनिए सर, 5 किलोमीटर जाने सर प्लीज सर। सर कुछ ले दे के एडजस्ट कर लीजिए ना साहब, प्लीज साहब कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? कुछ थोड़ा देख लीजिए ना आप। साहब से बात करनी पड़ेगी। लेकिन लेकिन सर एक बार तो साहब के पास जाना ही पड़ेगा, बाकी सब मैं देख लेगा। तुमको तो चलना ही पड़ेगा। सर प्लीज सर आप ही देख लीजिए ना, कुछ एडजस्टमेंट कर लेना सर। सर प्लीज सर। पांडे कट जब कर। ठीक है साहब, चलिए साहब। तीन दिन से ढंग से बात नहीं कर रहे हो, कुछ पूछा तो जवाब भी नहीं दे रहे हो, ऑफिस तक नहीं जा रहे हो तुम। अमित प्लीज बताओ ना क्या हुआ है? तुम्हारे ऑफिस से भी कॉल आया था, मुझे नहीं तो कम से कम उन्हें तो जवाब दो, कुछ तो बोलो ना प्लीज। hey, सीधा खड़ा रहे। अरे साहब 1 किलोमीटर ही जाने का है ना, और साहब साथ में लेडीज भी है। बस ये पुलिया क्रॉस करके ये लेफ्ट में ही जाना है, और साहब सारी बातें हो गई हैं, बस 1 किलोमीटर ही जाना है। 1 किलोमीटर दूर ही जाना है तुमको? नाइट का टाइम है, बच्चे लोग हैं, और बेचारी लेडीज भी है ना साथ में, और पेपर भी ओके साहब। सब चेक किया तुमने? हाँ मैं देख लिया। एक्सक्यूज मी सर, बहुत ज़्यादा पी हुए साहब,
गाड़ी जमा कर लेते ना साहब, चला नहीं पाएगा ज्यादा। ये पांडे बीच में नहीं बोलने का, 20 साल हो गए मेरे को डिपार्टमेंट में। हिसाब से बात कर रहा है ना, ऐसा बहुत केस देखा रहे अपनी लाइफ में। देख कहा इसको 5-10 किलोमीटर लंबा जाने का है। और सब बात हो गई है मेरी। जी सर आइए आइए। इसलिए मम्मी कह रही थी लव मैरिज कभी करनी ही नहीं चाहिए। पति का इंटरेस्ट जल्दी चला जाता है, मिल गई होगी दूसरी कोई। ये क्या, खाना भी नहीं खत्म किया? परेशान हो गई हूं मैं, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी आलसी हूं, फिर भी करती हूं ना तुम्हारे लिए ये सब। ये खाना बनाने के लिए ना बड़ी मेहनत लगती है, समझ गए? खा लीजिए। मैंने मम्मी पापा को फोन किया था, वो कल आ जाएंगे, फिर मैं उनके साथ निकल जाऊंगी। तुम उन्हीं से सारी बातें कर लेना, तुम्हारा मूड जब ठीक हो जाएगा तब लेने आ जाना मुझे। डिपार्टमेंट में तो साहब आपकी बोनी होगी, हम 20 साल से काम करें साहब, बहुत अच्छी प्रगति करोगे साहब। और क्या है कि साहब आज मैडम का बर्थडे है ना, और उनके बर्थडे पे आप बहुत बड़ा गिफ्ट लेके जाना साहब, और मेरी तरफ से भी मैडम को विश कर देना साहब। जय हिंद साहब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बाबा। कल रात आपने उन लड़कों को छोड़ दिया था ना ड्रग एंड ड्राइव केस में। मैंने बोला था ना सर कि गाड़ी जब्त कर लेते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा पिए हुए नशे में चूर, उन लोगों ने गाड़ी रोंग साइड में डाली। सामने से बाइक वाला और साथ में बीवी और बच्चे। मीरा रोड स्टेशन में एक्सीडेंट का केस आया है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? यू आर हर्टिंग मी अ लॉट। बेवकूफों ने बाइक वाले को कुचल दिया। ऑन द स्पॉट गया सर। सर के ऊपर से टायर गया और बच्चा तकरीबन 2 साल उसकी बॉडी के चिथरे चिथरे हो गए। तुम्हें तो पता है ना मेरी कंडीशन क्या है। लेकिन उसकी बीवी बच गई सर, वो भी अकेली। एक बात बोलू सर, वो नजारा देखकर ऐसा भी लगा कि उसकी बीवी भी ऑफ हो जाती तो अच्छा होता। अब क्या करेगी बेचारी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई सर। जीते जी मार दिया ना उसको। सर एक बात कहूं, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ मर्डर जो आपने किया। अगर आप उस दिन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते तो आज वो फैमिली जिंदा रहती सर, तो वो फैमिली जिंदा रहती। ये सब आपकी वजह से हुआ, ये सब आपकी वजह से हुआ। यू आर गिल्टी। अमित कुछ तो बोलो, चुप रहने से कैसे पता चलेगा? अमित आई एम वरीड। अमित, अरे अमित काय झालं? अमित अमित क्या हुआ है? अमित अमित बताओ, अमित प्लीज। हे अमित, अमित
पांडे कैसा बात करके गया साहब? कोई सीनियर से ऐसा बात करता है क्या? मैं तो बोलता है चार सीटी दे दो तुम उसको। अरे ऐसा एक्सीडेंट होता रहता है साहब, हम क्या सबको देखेगा? टेंशन नहीं लेने का,